1.5 million Indians lost jobs in August, according to CMIE, Center for Monitoring Indian Economy. पता है कि पढ़ाई के बाद, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल के बाद, उसे ये देश रोजगार दे पाए. हिंदुस्तान में सबसे बड़ी समस्या रोजगार की. कोई पर्सन अनएम्प्लॉयड कहलाता कब है? हमारे घर में मॉम डैड है, छोटे भाई बहन है, ग्रैंड पेरेंट्स है, इनमें से अनएम्प्लॉयड कहलाएगा कौन? हमारी मॉम सुबह से शाम तक घर संभालती है, क्या वो अनएम्प्लॉयड कहलाएंगी कि नहीं? देखिए, हर वो व्यक्ति जिसकी एज 15 से 59 के बीच में है और वो कुछ करना चाहता है, एजुकेशन और क्वालिफिकेशन स्किल के बेस पे जॉब मिल नहीं पा रही है, ऐसे लोगों को हम अनएम्प्लॉयड कहते हैं. और जिसकी एज 15 से 59 के बीच में है और वो कुछ करना नहीं चाहता है, खाता है, पीता है और रिसोर्सेज भी उतनी ही यूज करता है, ऐसे लोग बर्डन होते हैं फैमिली वाले के लिए भी और कंट्री वालों के लिए भी. घर में जितना ज्यादा लोग कमाएंगे उतना ही अच्छे से घर चलेगा. 15 से 59 के बीच के लोग कमाते हैं, बाकी सब उस पर डिपेंड रहते हैं. ऐसे में अगर यही लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे तो कंट्री की प्रोग्रेस कभी नहीं होगी. कंट्री की प्रोग्रेस को हम लोग GDP से नापते हैं. हर साल GDP भी बढ़ा है और अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर भी इंक्रीज हुआ है. इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट किसी पार्टिकुलर पॉलिटिशियन पार्टी की वजह से नहीं, बल्कि जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक कोई भी गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर सकी है. न केवल भारत में ही, अमेरिका, चाइना जैसे विकसित देशों में भी अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम हमेशा से रहा है. स्मार्टफोन बांटने से, लैपटॉप बांटने से रोजगार नहीं बढ़ता. कोई आपको पैसा इसलिए नहीं देगा कि आपके पास कितनी बड़ी डिग्री है, आप उसका कितना प्रॉफिट करा रहे हैं इसके बेस पे आपको पैसा देगा. आपकी अगर खुद की भी कोई कंपनी होगी, आप 1,000 रुपया उसी को देना पसंद करेंगे जो 1,000 के बदले में आपका 5,000 का प्रॉफिट कराए. अगर डिग्री के बेस पे जॉब मिलती तो इंडिया में इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहता. स्विट्जरलैंड की जितनी पॉपुलेशन है, इंडिया उससे ज़्यादा इंजीनियर प्रोड्यूस कर देता है.